टॉप 5 के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि क्रिएटिव लड़का ने कैसे ड्रैगन बॉल सुपर की गंदी तरीके से बेइज्जती करी। एपिसोड 5 एक बार जापानीज वाला जाके देखो फिर से, मतलब क्या है ये क्या। और फ्रीजा वाले आर्क में भी एनिमेशन का कुछ यही हाल था। मैं सच बता रहा हूँ, ये फ्रीजा और गोकू ही है। ये तो टट्टी है। डिस्क्लेमर देने के बावजूद भी ऑडियंस में से काफी सारे लोग क्रिएटिव लड़का के ऊपर चढ़ गए और क्रिएटिव लड़का के काफी सारे सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब करके भाग गए। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ पिछली वीडियो के लिए, अगर आपको वो बुरी लगी है तो। हालांकि मुझे मन में इतना फील नहीं हो रहा कि लोगों को बुरा लग गया या कुछ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये एंटरटेनमेंट के लिए है, पर तब भी तुम लोग दिल पे ले गए यार। इजी बॉय। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे से गुस्सा है या नाराज है या जिन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया है, डिसलाइक मार दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, क्रिएटिव लड़का या उसके मॉडरेटर्स किसी भी वीडियो में आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, तो कृपया करके जो आपके मुंह में पान है वो मुंह तक ही रखें, कमेंट सेक्शन में ना थूके, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में पान थूक देते हैं। नंबर 1, गॉड्स इन्वॉल्वमेंट। ड्रैगन बॉल जी में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी एविल पावर्स, बहुत सारी गुड पावर्स जो हैं अर्थ पे आ रही हैं, पूरे यूनिवर्स में चक्कर खा रही हैं, पर उनका कोई तुकी नहीं बनना। मतलब भगवान है क्या दुनिया में? हाँ, कुछ है, सुप्रीम काय किंग काय की शक्ल में, जो कि हमें लगता था शुरू में कि वो गोकू से ताकतवर, पर वो है असली में पिछली वीडियो में इस्तेमाल किया था तो ऑफेंड हो गया था, इस बार नहीं करूंगा। तो वो है असली में अजीब वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो वो गॉड सिर्फ गॉड्स ऑफ क्रिएशन थे जो कि कोई चीज बना सकते थे, पर वो किसी चीज को मारने की शक्ति नहीं रखते थे। हालांकि वो खुद माजिन बू से डरते थे। तो सुपर में सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि उन्होंने गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास कोई है जो कुछ एविल गॉड्स को रोक सके। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब गोकू पहली बार बीरस से मिला था तो उनकी इतनी अच्छी एनिमेशन थी कि नंबर 2, रिमूविंग अर्लियर मिस्टेक्स। ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी में काफी सारी ऐसी चीजें थी जो कि होनी नहीं चाहिए थी, पर वो सुपर में आके सुधर चुकी हैं। जैसे कि पोटरा फ्यूजन की मिस्टेक, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी में हमें बताया गया था एक बार जो पोटारा इयररिंग्स को इस्तेमाल कर लेगा तो वो कभी अनफ्यूज नहीं हो सकता, पर वो अनफ्यूज हो गया था क्योंकि वो माजिन बू के पेट में गया था और माजिन बू के अंदर जो अजीब सी शक्तियां थी उन्होंने उसे अनफ्यूज कर लिया, जो कि टोटली फेक और मिथ है। क्योंकि सुपर में जब वेजिटो बनने वाला था तो गोवासु ने बताया था कि फ्यूजन अगर दो गॉड्स करेंगे तो वो हमेशा के लिए फ्यूज रह जाएंगे, पर अगर दो मोर्टल करते हैं तो वो एक घंटे के लिए फ्यूज रहेंगे, जिसकी वजह से काफी सारे सोशल मीडिया पे लोग कंफ्यूज हो गए थे। पर ये एक अच्छी बात है कि सुपर में उसे इम्प्रूव करके वो मिस्टेक को जल्द से जल्द उन्होंने मिटा दिया। हाँ, जल्द से जल्द, पूरे 20 साल बाद। एक और जी में बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो कि थी स्टोरी को अचानक से 10 साल आगे पुश कर देना ऊब को लाने के लिए, जो कि एक बहुत बुरी बात है क्योंकि उन 10 सालों में गोकू पता नहीं ट्रेन कर करके कौन कौन सी फॉर्म ला सकता था। तो सुपर में वो ठीक कर दिया गया और गोकू गॉड ब्लू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पता नहीं क्या क्या बन गया। मेरी तरफ से एक थम्स अप। नंबर 3, ऑर्गेनाइजिंग न्यू वॉरियर्स बाय देयर यूनिवर्सेस। क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर में हमें गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया है तो गॉड्स को सारी इंफॉर्मेशन होती है अपने यूनिवर्स में जितने भी तगड़े वॉरियर्स हैं, जितने भी मोर्टल्स हैं, उन सब के बारे में। तो अगर उनके यूनिवर्स में गोकू से कोई ताकतवर योद्धा होता तो विज जरूर बताता। तो वो अचानक से उन्हीं के यूनिवर्स में कोई नया योद्धा नहीं बना सकते थे तो उन्होंने क्या किया, नए यूनिवर्स बना दो। यूनिवर्स ही क्यों, पूरा मल्टीवर्स बना दो। ज्यादा यूनिवर्स होने के क्या फायदे हैं? फायदे ये हैं कि हम कोई भी कभी भी करेक्टर बना के सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी पावर स्केलिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे कि जिरेन, हिट या कोई भी। अब तो पूरे 18 यूनिवर्स आ गया, पता नहीं कौन सा नया करेक्टर ला के रख देंगे ये लोग। मेरे को नहीं लगता ड्रैगन बॉल सुपर जितना फार गया उतना कोई और एनिमे जा सकता है यूनिवर्स के मामले में। नंबर 4, आइकॉनिक विलेंस।
जैसे ही मैंने आइकॉनिक विलेन बोला वैसे ही आपके मन में ब्लैक गोकू की फोटो आई ना, सही बताना। अगर आई है तो अभी कार्ड फ्लैश हुआ होगा तो उस पे पोल कर दीजिए कि आपके मन में ब्लैक गोकू की फोटो आई या नहीं। एनीवेज, ड्रैगन बॉल सुपर ने हमें बहुत सारे आइकॉनिक विलेन दिए हैं। ये बात नहीं है कि ड्रैगन बॉल जी में आइकॉनिक विलेन नहीं थे। अरे यार, वेजिटा उसमें मेन विलेन आया था पहले, उससे आइकॉनिक क्या लोगे। बट उसमें थे ऐसे विलेन जो कि क्रिंज थे, जैसे कि ये नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट दिखने वाला विलेन एंड्रॉइड 19, और जब ये मोटा थुलथुल आया था यानी कि माजिन बू, तब मेरे को ये विलेन नहीं लगा था पहली बार, मैं बता रहा हूँ, मेरे को लगा ही नहीं था ये माजिन बू है। इसकी शक्ल देखो एक बार, छोड़ो फिर से ऑफेंड हो गए, अनसब्सक्राइब कर दोगे, रहने दो। पर ड्रैगन बॉल सुपर में हमें मिला था ब्लैक गोकू, बीरस, और ये हमेशा की तरह तुमने रोक रखा है यार, फ्रीजा, और जिरेन को कौन भूल सकता है। इस रिकॉर्डिंग को रोक कर हम आपके लिए लाए हैं चैनल अपडेट। तो जैसा कि आपको पता होगा, मेरी ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली वाली फैन फिल्म आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि मेरे को एक काम पड़ गया था जो कि मैं बता नहीं सकता अभी, बाद में बताऊंगा। और एक और वजह है कि जो उसका फाइट सीन है वो कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच रहा है, तो इस वजह से मैं उसे कोई रोकना नहीं चाहता, ना उसमें कोई कमी छोड़ना चाहता, तो अगर एक दो दिन का डिले हो जाता है तो मुझे माफ करना। वैसे रिलीज डेट है 30 नवंबर 2018, अगर 3 या 4 नवंबर को भी आती है तो कोई गुस्सा मत करना प्लीज। बैक टू वीडियो नंबर 5, बैलेंस बिटवीन गोकू एंड वेजिटा एंड हाइप क्रिएशन। मानता हूँ शुरुआत में गोकू की जो फॉर्म थी गॉड वाली, वो वेजिटा को नहीं मिली थी, पर बाद में टोई एनिमेशन को रियलाइज हो गया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वेजिटा और गोकू को बैलेंस में रखना चाहिए, और फिर उसके बाद गोकू और वेजिटा को साथ में सुपर सैयाजिन गॉड वाली सुपर सैयन मिला, जिसे तुम सुपर सैयन ब्लू कह सकते हो साफ शब्दों में। फिर उसके बाद गोकू ने कायोकेन टाइम्स 20 अचीव करी, और फिर उसके बाद वेजिटा ने अपनी सुपर सैयन ब्लू को परफेक्ट कर लिया। अब मुझे पता है तुम लोग क्या कमेंट करने वाले हो, अबे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो नहीं बनाता, गोकू ने भी परफेक्ट कर ली थी फॉर्म। हाँ जानता हूँ कर ली थी, पर वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के पहले, पर वेजिटा ने जमासु आर्क से पहले ही परफेक्ट कर ली थी वो। उसके बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिली और वेजिटा को सुपर सैयाजिन ब्लू एवोल्यूशन, जो कि गोकू सुपर सैयन ब्लू परफेक्ट कायोकेन के बराबर की थी। जानता हूँ अभी भी गोकू से थोड़ा सा कम लेवल पे है वेजिटा, पर एटलीस्ट तो ये एनिमेशन ट्राई कर रहा है। और हाइप क्रिएशन की बात आई है तो कौन भूल सकता है वो वाला टाइम जब गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला पोस्टर रिलीज हुआ था और उसमें लिखा था वर्क ऑफ गॉड्स एंड्स हेयर। जब मैंने ये पहली बार देखा था तो मेरे को लगा था ये सुपर सैयन ब्लू का कोई फॉल्स फॉर्म होगा। कमेंट में मेरे को बताना कि आपको क्या लगा था जब ये पहली बार पोस्टर आपने देखा था, मैं आपके कमेंट को पिन दूंगा जिसका मेरे को सबसे बेस्ट लगा। तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है, पर अभी मत हटाना, एक जरूरी बात आप लोगों से करनी है। देखो मैं जानता हूँ तुम लोग ड्रैगन बॉल सुपर से प्यार करते हो, मैं जानता हूँ तुम उसके हर एक करेक्टर से प्यार करते हो, पर यार छोटे मोटे मजाक झेल लिया करो। अगर इतना भी तुम लोग नहीं झेल सकते तो कैसे डेवलप होगा इंडिया, बताओ मुझे। तुम लोग कहते हो कि मैं पैरोडीज लाऊंगा, उसमें इससे भी बुरे बुरे मजाक होंगे, तुम लोग सह ही नहीं पाओगे तो फिर लाने का क्या फायदा, बताओ। ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये मैं कोई मजाक में नहीं बोल रहा, एक बार अच्छे से बैठ के इसके बारे में सोचना। तो मैं हूँ क्रिएटिव लड़का, सेइंग गुड बाय, पीस।